आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को आप किस तरीके से मसाज दें कि उनको एक अच्छा हेल्दी फीलिंग्स आए और उनको बहुत रिलीफ मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ वीडियो में बना रही हूँ, ये 3 महीने मेरे बेटे को कंप्लीट हो गए। 3 महीने से मैं रेगुलर से मसाज कर रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने उसके अंदर चेंजेस देखे हैं कि उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, वो मैक्सिमम टाइम बिल्कुल नहीं रोती। तो ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करने के बाद ही आप बता सकते हो कि आपका जो तरीका है या आप जिस तरीके से या पैटर्न फॉलो करते हो वो बच्चों को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मसाज करने का सबका तरीका सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हो, जो मैंने की और मैंने अपने बेटे को बहुत खुश देखा है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि 3 महीने में जब रेगुलर चेंजेस जो मैंने अपने बेटे के अंदर महसूस किया वो क्या थे और वो कितनी खुश थी मसाज करने के साथ। तो ये छोटी छोटी जो डिटेल है जो आप लोगों के काम आने वाली है, वीडियो पक्का आप लोगों के काम आएगा, खासकर उन लड़कियों को जिनको कुछ नहीं आता, मेरी तरह जो नई माँ बने उन्हें नहीं पता बच्चा किस तरीके से हैंडल करना है, उसे कैसे समझाना है, खुद को कैसे मोटिवेट करना है। तो ये चीज़ उनके बहुत काम आने वाली है, खासकर पापाओं को भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो, और जो नहीं है उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है वो देख सकते हैं वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि जब मैंने अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम मसाज किया था, तो मैं उस टाइम मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी उसे पकड़ने में। तो बहुत से हमारे जो पुराने तरीके ना, उसमें आप अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को मसाज करने के लिए, तो मैं वैसा नहीं कर सकती थी। तो मैं कुर्सी लगा के अपनी बेटी को बेड पे बिल्कुल लिटा के, और या तो उसके गद्दे का इस्तेमाल या पन्नी का इस्तेमाल करती थी, जिससे वो ऑयल ना ट्रांसफ़र ना हो, और ज़्यादा ऑयल यूज़ करती थी और जिससे वो मतलब उसको अच्छा फील हो और हाथ ना थोड़ा आराम से स्लिप हो जाए, इस तरीके से यूज़ करती थी। तो ये जो आप तरीका देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैं कुर्सी पे बैठी हूँ और उस टाइम ये यूज़ हो रहा है। इस वीडियो में आप देखोगे, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ये 10 मिनट का टोटल वीडियो है, और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो। पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, इसमें अगर आपको कुछ खामी या चीज़ें देखने लगेगी, क्योंकि इसलिए लगेगी क्योंकि 3 महीने का सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। मैं 3 महीने से अपने बेटे को रेगुलर मसाज करती हूँ, दिन में 2 बार करती हूँ। 2 बार तो पर्टिकुलर गर्मी का टाइम सीजन चल रहा है, पर मैं गर्मियों में भी अपने बेटे को 2 बार मसाज करती हूँ, सुबह और शाम। और मसाज आपको कब करनी चाहिए ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी स्टार्टिंग में। मैं क्या करती थी, पहले नहलाती थी उसके बाद मसाज करती थी, क्योंकि ठंड के टाइम में बच्चा वो ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है, पर गर्मियों में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। गर्मियों में पहले आपको बच्चे को मसाज करना है अच्छे से, बिल्कुल उसे टाइम दे, 10 मिनट 15 मिनट अच्छे से मसाज करें, ताकि वो अच्छा सा फील ले, उसको बॉडी का जितना पेन है लेटे लेटे जो बेबी को होता है वो खत्म हो जाए। उसके बाद उसे एक अच्छा सा वार्म वाटर के साथ नहला दे, तो बच्चा दिन भर सोएगा और खुश रहेगा, वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं करेगा। तो ये पर्टिकुलर 10 मिनट का वीडियो है जो मैंने शूट किया था, और आप लोगों को शेयर करती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की है जो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ उसके पैरों के साथ, क्योंकि उसके टांगों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मैं शुरुआत करती हूँ उसके टांगों से, क्योंकि वो अपने टांगे छूने देती है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो रोना शुरू नहीं करती। इस टाइम मेरे बेटे थोड़ी नींद में है, तो वो जितना जल्दी हो सके मैं करने की कोशिश करूंगी। तो आप भी ऐसा कोई टाइम चूज कर सकते हैं जिसमें आपका बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो और रो ना रहा हो या वो इरिटेट ना हो, तब मसाज करना शुरू करें। क्योंकि अक्सर बच्चे जब नींद में रहते हैं, आधी नींद में रहते हैं या फिर उनका पेट खाली होता है, उस टाइम मसाज करो तो वो काफी रोता है। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिस करते करते सीख लिया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बेटे का पेट भर के रखती हूँ, और पेट भरने के 10 मिनट बाद मैं मसाज करना शुरू करती हूँ। उससे ना उसका पेट हल्का सा पच जाता है खाना, और जैसे उसका खाना पचता है उसके बाद मैं मसाज करती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ उसके टांगों के साथ। तो टांगों से मैं उसके जो काफ होते हैं उसके जांघों के पास से जाती हूँ, और उसके जो हिप्स के जॉइंट्स होते हैं उस पर मसाज करती हूँ। फिर शुरुआत करते हूँ उसके हाथों से, क्योंकि वो अपने हाथ मुझे जल्दी से छूने नहीं देती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके उसके हाथों के साथ मैं मसाज कर सकूँ, जिससे वो कम परेशान होती है। तो इससे ना मेरी यही कोशिश रहती है कि अपनी बेटी का कम से कम टाइम लूं और उसको कम परेशान करते हुए उसको अच्छा सा मसाज दे सकूं। तो मेरे ना उसके हाथों को मलती हूं, और जोड़ की नहीं, हल्के हाथ से, और कभी कभी जैसे जो मसल्स जहाँ पे मोटी होती है वहां पे मैं थोड़ा तेज हाथ यूज करती हूँ। इससे ना उसे बहुत रिलीफ मिलता है, मैंने नोटिस किया है। मैं पहले बहुत तेज करती थी तो उसे दर्द होता था, और जब मैं स्लो करती थी तो उसको कुछ भी फील नहीं होता था। तो मैंने एक मीडियम हैंड यूज किया है जिससे उसको काफी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, ये बच्ची मेरी है तो मुझे इसकी आदतों का पता है, तो आपको भी अपने बच्चों का पता होगा कि उसको कैसी आदत है, उसको क्या पसंद है,
क्या नहीं पसंद है उस हिसाब से मसाज कीजिए। पर पैटर्न जो होता है मसाज करने का वो सेम होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो इस तरीके से ही मसाज करते हैं। और मैंने भी ये चीज अपने बेटे के साथ जब से ट्राई किया ना, मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। तो वो ना अक्सर रोती नहीं है, उसके जो चेस्ट होता है, जो उसका बैक होता है, उस पे ना उसको काफी रिलीफ मिलता है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपने बेटे को कभी भी गर्दन से नहीं उठाती हूँ, तो इसलिए उसकी गर्दन पे मैं मसाज करती हूँ, जिससे उसे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मैंने देखा है वो कभी भी ना बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, ना रो। बच्चे का रोना उसके मूड पर डिपेंड करता है, तो हो सके तो बच्चे का मूड आप देख के ही मसाज करें। और 2 टाइम मसाज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरी बेटी जब 2 टाइम मसाज तो अच्छे से सोती है। मेरी मम्मा ने उसको स्टार्टिंग से ही आदत लगाई थी, तो मुझे 2 बार करना होता है। कभी कभी जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं रात को सोने से पहले उसे मसाज करके नहला देती हूँ, उससे वो बहुत अच्छी नींद में सोती है, मुझे पूरी रात परेशान नहीं करती है। मैं आपको एक खास बात और बताती हूँ कि मैं जब से अपनी बेटी को 2 टाइम के बाद रात को नहलाना मैंने शुरू किया है, रात का मतलब है शाम होती है, आधी शाम होती है, जिसको शाम के 6 से 7 बजे जो गर्मियों का टाइम चल रहा है इस टाइम में मैं नहलाती हूँ, तो वो पूरी रात आराम से सोती है, मुझे एक बार भी परेशान नहीं करती। बस जब वो दूध भूखी रहती है तो दूध के लिए रोती है, तो उस टाइम मुझे उसे दूध पिलाना होता है, लेकिन नींद में ही रहती है, तो मैं नींद में उसको ब्रेस्ट मिल्क दे देती हूँ, जिसकी वजह से वो तुरंत सो जाती है। आपको पता है इसी वजह से ना मैं अच्छे से नींद भी रात को पूरी हो जाती है मेरी, और मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। मैं उसके पेट पर ज्यादातर अपने हाथों को हार्ड थोड़ा सा करती हूँ, जिससे उसे ना थोड़ा सा अच्छा फील हो। फ्रेंड्स, एक बार मेरे से गलती से कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगा उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो मेरी तरह ये गलती ना करें। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे शुरुआत करें और बेबी को समझते हुए शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मसाज किया नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि मसाज कैसे करते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे सीख चुकी हूँ, तो अब मुझे ना एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी बेटी को 3 महीने हो गए, 3 महीने से मैंने अपने बच्चे को खुद ही अकेले संभाला है, खुद ही सब कुछ किया है, तो मुझे ना ज्यादातर अब एक अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं अपने सेकंड बेबी को अच्छे से संभाल सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं फेस का मसाज कर रही हूँ, आप इस तरीके से अपने बेबी को कर सकते हैं, पर मैं ज्यादातर फेस का मसाज उसका नहीं करती, क्योंकि वो बहुत रोती है, तो मैं उसकी बॉडी का मसाज करती हूँ, उससे वो सो जाती है। तो आप ये देखो, जैसे मैंने फेस छुआ उसका, उसका रोना शुरू हो गया, तो वो अब ज्यादा हार्ड बुरी तरह रो रही है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसको अब काम कर रही हूँ, और जैसे वो शांत होगी मैं उसको थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी, फिर उसे नहला दूंगी। मैं पहले ये गलती करती थी कि मैं बेबी को पहले नहलाती थी, उसके बाद उसे मसाज करती थी और रात भर ऐसे रखती थी, तो मेरी बेटी को बहुत ही परेशानी होती थी। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको मसाज करना है तो पहले मसाज करके अपनी बेटी को नहला दें या बच्चों को नहला दें, ताकि वो रिलीफ महसूस करे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा वीडियो जो 10 मिनट का है, आप लोगों को कैसा लगा, मेरा तरीका कैसा था? ये पूरे 3 महीने का एक छोटा सा सेगमेंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हर दिन एक जैसा नहीं होता बच्चे के साथ, तो उसका जैसा मूड था मैंने उस हिसाब से उसको मसाज दिया है, और इसमें आप थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर दिन कुछ नया ट्राई कर सकते हैं बच्चे के साथ, जो मैं करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको और फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हो आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।